3 दिन पूर्व बसड़िया निवासी व्यापारी विजय कुमार जायसवाल की हत्या के मामले का पूरी तरीके से खुलासा करते हुए कोतवाली पुलिस ने एक महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। व्यापारी विजय जायसवाल की हत्या का कारण गिरफ्तार की गई महिला से अवैध संबंध होना रहा। विजय जायसवाल के इस महिला से तब से अवैध संबंध थे जब वह अविवाहित थी। विवाह के बाद इस महिला के पति अनुज मिश्रा को जब इन अवैध संबंधों का पता लगा तो वह बर्दाश्त न कर सका और उसने अपनी पत्नी की ही मदद से उसके प्रेमी को बुलाकर अपने साथियों के साथ उसकी हत्या कर दी। बीती 12 मई 2018 को जब शहर लखीमपुर के भीरा अड्डा के पीछे एक मकान में विजय जायसवाल का शव मिला तब उसकी पहचान न हो सकी थी। पुलिस अधीक्षक रामलाल वर्मा ने आज एक प्रेस वार्ता में यह जानकारी देते हुए बतलाया कि एक लड़की से पिछले कई वर्षों से अवैध संबंध, बाद में उस लड़की की साथी अनुज मिश्रा नाम के एक लड़के से हो गई। इसको लोगों ने जाकर उसी के हरिद्वार मंदिर में शादी की। शादी के उपरांत लड़की ने अरुण मिश्रा से पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे विजय कुमार द्वारा इतने साल से मेरे साथ गलत संबंध किया जा रहा है। तभी से उसने विजय को ठिकाने लगाने की शुरू की। ये लगातार 2 तारीख से मृतक को बात कर रहे हैं। तब कहाँ कितने समय जाता घटना के दिन 12 तारीख को व्हाट्सएप कॉल दर्जाव करके विजय को राजू मिश्रा ने बुलाया, अनुज मिश्रा तथा उसके साथियों ने बुलाया और बताया कि उसका इलाज कराने की तकलीफ है। उसके विश्वास में आकर के सुबह विजय मिश्रा विजय जायसवाल अपने घर पर बुला। विजय जायसवाल लड़की को लेकर के स्कूटी से आया। लड़की और विजय मिश्रा को अनुज एन पार्टी द्वारा गाड़ी में बैठाया गया। थोड़ी दूर में तो लड़की को उसको छोड़ दिया गया और अनुज मिश्रा को अनुज मिश्रा अपने साथियों के साथ विजय को लेकर के उस कमरे में आया जहाँ पर मृतक की डेड बॉडी पड़ी। आक्रोश आक्रोश में इसने वहाँ पर तेजाब की बोतल जो अनुज मिश्रा ने पहले से लाकर रखी थी उसके सर पर मारी। उसके साथ कुछ अभियुक्त और थे। बाद में थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा बंद करके फिर बाहर निकला और उसने अपने दोस्त से रस्सी मंगवा करके उसका गला तोड़ दिया और चाबी बंद करके बाहर से निकल गया। अभियुक्त की सदेह पर मृतक का पर्स, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पर्स में रखे रुपए व मृतक की कलाई खड़ी तथा मोबाइल फोन जो मृतक के पास जिसको ले गए थे वो बरामद हुआ है। तीसरे दिन घटना का खुलासा कर दिया गया और इस सफलतापूर्वक घटना का अनावरण करने के लिए टीम को उत्साहवर्धन के लिए 5,000 रुपये का पारितोषिक दिया जाता है। अभियुक्तों को नियमानुसार गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है। दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल माई लखीमपुर को
एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट वीडियोज़।